नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। रांची मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसक घटनाओं के बाद उपद्रवियों की पड़ताल तेज कर दी गई है। देर शाम को डीजीपी नीरज सिन्हा ने मेन रोड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने घटना स्थल का भी जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ रांची डीआईजी एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि घटना में शामिल लोगों को सबूतों के आधार पर चिन्हित कर उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटना भी हुई तो क्या आप लोग कोशिश में है? सभी लोग शांति बनाए रखें और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि शांति रहे। सर, एक सवाल सब जानना चाहते हैं, गिरफ्तारी कब तक? और इसी पे सारा सवाल जाके केंद्रित है। जी जी, बहुत सारी कार्रवाइयाँ चल रही। असल क्या लगता है कि कुछ बाहर के लोग भी आए थे इस तरह के मामले में इन्वॉल्व, यहाँ के लोगों को चढ़ाया? अनुसंधान का विषय, अनुसंधान चल रहा है। सर, कब तक गिरफ्तारी होगी? एसआईटी सरकार की तरफ से बनाई गई, पुलिस ने भी अपने तरफ से जांच शुरू किया है, क्या क्या कुछ साक्ष्य मिले हैं? क्योंकि सबकी एफआईआर दर्ज हुए हैं जी, उसमें कई एफआईआर हैंड हैंड है, कई एफआईआर सीसीटीवी फुटेज सभी जगह पर कलेक्ट किया गया, उसके आधार पर कार्रवाई। हिरासत में कुछ लोग हैं? गिरफ्तारियाँ हुई हैं सर, वो हम लोग बताएंगे। आप सर, ये इतना पुष्टि कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं? गिरफ्तारी हुई है सर, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ गिरफ्तारी। अच्छा सर, इसका मास्टरमाइंड कौन है, कुछ इसका भी आइडिया लग पाया है? ये अभी कहना उचित नहीं है, अनुसंधान का विषय। आप देख रहे हैं कि आप खुद अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।